वो राम मंदिर का अगर समारोह होता तो अलग तरीके से बन जाता, वो पवित्रता, वो श्रद्धा का विषय वहाँ आ जाता, लेकिन अब वो एक पार्टी का विषय बन गया है। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में, तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम को एक तरह से किडनैप कर लिया है। तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने? बीजेपी कौन होती है रामलला का इनविटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। तो ये बीजेपी का 2-3 दिन का जो एक पॉलिटिकल इवेंट है वो ख़त्म होने के बाद हम जाएंगे भगवान के पास। हमारा रिश्ता है प्रभु श्री राम से। ये जो लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं, उनका ना राम से नाता है ना उनके विचार से नाता है। ये चुनाव का जुमला है, अब उनको कौन रोकेगा? तो जो करना उनको कर दीजिए। तो इनविटेशन की बात है, आपको आया क्या, आपको नहीं आया क्या, क्या करना है भाई? कौन जाएगा बीजेपी के इस प्रोग्राम को? ये बीजेपी का कार्यक्रम है, उनको करने दो। सर, जानबूझ के नजरअंदाज किया है क्योंकि सभी का योगदान जैसा आप लगातार कह रहे हैं जानबूझ के नजरअंदाज।